वैसे तो कोरोना महामारी के कारण सभी व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्कूली क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसे लेकर नरसिंहपुर के समस्त अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य और संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन कई मांगों को लेकर दिया गया है, जिसमें निजी स्कूलों की मान्यता बढ़ाने, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की कक्षाएं खोलने, RTE के तहत हुए एडमिशन की राशि शीघ्र देना और बिजली बिल को माफ करना उनकी मुख्य मांगे हैं। ज्ञापन देने आए लोगों का कहना है कि पिछले कई माह से स्कूल बंद हैं, जिसके कारण निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शासकीय स्कूलों में बिना TC के एडमिशन ले रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से सदस्यों ने ये मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। यदि उनकी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य और संचालक उग्र आंदोलन करेंगे। शासकीय विद्यालय सेवा संगठन नरसिंहपुर जिले के सभी संचालक, प्राचार्य एवं शिक्षक यहां पर कलेक्टर के सामने ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनकी विभिन्न मांगे हैं। उस मांग में सबसे प्रथम है कि कोरोना काल सब जगह सभी प्रकार के चीजें खुल गई हैं, दुकानें हैं, सिनेमा मॉल है, स्विमिंग पूल है, जिम है, लेकिन स्कूलों को, शिक्षण संस्थाओं को बंद करके रखा, उनको खोलने के लिए 9वीं से 12वीं अभी खोलने के लिए अनुमति दी जाए। और दूसरी, सत्र 2016 से RTE की राशि अभी बकाया है, 16, 17, 18, 19, 20 किस तक की RTE की राशि दी जाए, जिससे कि जो कमजोर स्कूल हैं उनको कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज मिल सके। और मान्यता नवीनीकरण के लिए बार बार निरीक्षण के लिए ऊपर से अधिकारियों को प्रेस लेटर देते हैं, लेकिन स्कूल बंद है तो उनको व्यवस्था है और निरीक्षण कराने में कठिनाई हो रही है, तो निरीक्षण ना किया जाए और मान्यता 5 साल के लिए, पूर्व में शिक्षा मंत्री ने कहा था वैसा, सभी स्कूलों की प्रदान की जाए। आज पूरे हमारा नरसिंहपुर जिले भर के जो डायरेक्टर्स हैं, अपने अपने स्कूल के संचालक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के संचालक हैं, वो कल सबको एक ज्ञापन दिए, जिसमें हमारी सबसे पहली और एक ज्वलंत समस्या ये है कि हर स्कूल से बहुत सारे बच्चे निकलकर शासकीय स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं और पहली से 8वीं तक ये बहुत बड़ी संख्या है, और शासकीय स्कूल बिना TC और मार्कशीट के उनको एडमिशन दे रहा, और यहाँ पर आकर फिर वो प्रेशर बना रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे का एडमिशन शासकीय स्कूल में हो गया है, अब आप TC और मार्कशीट दीजिए। ये हमारी सबसे प्रथम मांग थी कि इसमें तत्काल प्रभाव से यहाँ ब्रेक लगे, कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई आदेश निकले। दूसरी एक बहुत बड़ी मांग ये थी कि लगातार स्कूल 18 महीने से बंद है, उसमें जो काम करने वाले टीचर्स हैं, संचालक हैं, उनके बिजली के बिल हैं, बिल्डिंग का किराया है, यदि बिल्डिंग बनी है तो उसकी किस्त है, ये बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट से जो विद्यालय गुजर रहे हैं। शासन या तो उसके लिए कोई आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करे, टीचर्स के लिए कुछ रियायत की व्यवस्था करे, बिजली बिल जो हम लोगों ने भर दिए उसमें कोई कंसेशन दे, ऐसी एक हमारी सब प्रक्रियाओं से दूसरी मांग थी। तीसरी एक महत्वपूर्ण मांग थी कि ये जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की हम मान्यता लेते हैं तो बोर्ड इसकी मान्यता देता है और लोक शिक्षण एक और संस्था है उसमें शामिल है, 5 साल की मान्यता बिना निरीक्षण के, बिना शुल्क के दी जाए, ये हमारी तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी। और ये RTE जो है, निःशुल्क बच्चे जो हमारे यहाँ KG1 से 8वीं तक पढ़ते हैं, लगभग 2-3 साल से उसका पैसा नहीं मिला, हमारी चौथी मांग थी कि अविलंब उसका पैसा सरकार लीज करे। ऐसी बहुत ही गंभीर प्रक्रियाओं के तहत जो बहुत सारी मांगें हम लोगों की थी यहाँ पर, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, अब इसका क्या निदान होता है ये वक्त बताएगा, और यदि निदान नहीं होता तो इस सारे कम से कम 250 स्कूलों के संचालक आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग व्यापक रूप से आंदोलन, धरना और किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पर्पल इंडिया। पर्पल इंडिया परिवार की अपील, इस महामारी से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम।